बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो बैक में खुश आमदीद। दोस्तों, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF का जो ASI का पेपर है उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे होंगे, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइव देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप हाई क्वालिटी में करके देख लें, क्योंकि लो क्वालिटी में दोस्तों आपको नज़र नहीं आ रहा था सही, तो आप वीडियो स्किप कर देते हैं और आपको मज़ा नहीं आ रहा होता। आप इसे हाई क्वालिटी में करके देख लें तो इसमें आपका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वर्बल में। दोस्तों, ये ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमारा मकसद ये है कि आपको पता लग सके कि सवालात किस तरह के आते हैं ASF के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि द ईयरली पाथ ऑफ द सन अराउंड हेवंस इज़ नोन एज द एक्लिप्टिक। सेकंड में दोस्तों है जी दे डैश टू ईच अदर सिंस दे, तो ऑप्शन नंबर डी हैव नॉट स्पोकन कॉल्ड थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों। तीसरे पे दोस्तों है वेयर डैश यू बॉर्न, वर यू बॉर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसमें ये है क्योंकि वेयर है तो इसीलिए इसमें वर आ गया आगे। फोर पे है द टाइम यू वॉच इज़ नॉट एक्यूरेट बाई, इसमें दोस्तों ये बी ऑप्शन है। नेक्स्ट फाइव नंबर दोस्तों क्वेश्चन है मिस्टर खालिद डैश आस्क टू स्पीक इन पब्लिक हैज़ अर्ली बीन आस्क टू स्पीक इन पब्लिक। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि फाइव लेटर्स हैं ए टू ई पेयर्स हैं, फॉलो द रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड गिवन इन कैपिटल, सेलेक्ट द लेटर्ड पेयर्स द बेस्ट एक्सप्रेसिस रिलेशनशिप सिमिलर एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर इन कैपिटल्स। दोस्तों वो कह रहा है कि टाइगर जैसे है कैट, ऑस्ट्रिच बर्ड है, लेजर्ड जो है फ्रॉग है, बर्ड लीफ है, गेस्ट स्टॉर्म है। तो दोस्तों ये मुख्तलिफ टाइप्स दी गई हैं, जैसे कि टाइगर जो है वो कैट है तो यानी ये एक किस्म के गोश्त खोर है, इसी तरह ऑस्ट्रिच जो है वो बर्ड परिंदा है, लेजर्ड जो है फ्रॉग है शरात के अंदर आ गया, इसी तरह दोस्तों बर्ड लीफ यानी ये पौधों किस्मों में आ गया। तो इसी तरह उन्होंने एग्जाम्पल दे के हमें ये कॉमन सेंस का तकरीबन क्वेश्चन बनता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है सेवन नंबर क्वेश्चन वार्डरोब क्लोथ्स, सेम दोस्तों पेयर इसी तरह है बुक केस बुक्स। ठीक है, ड्रायर का शेल्व आ गया, पेंट्री का मेडिसिन आ गया, नेकलेस का एयरिंग आ गया। एट पे है दोस्तों प्रोफरेट का होल्स है, इसी तरह सिमिलर इसमें आ जाएगा स्पेकल्स का स्पोर्ट्स आ जाएगा। नेक्स्ट पे चूज द लेटर वर्ड ऑन फेरस दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग कैपिटल लेटर्स, तो ग्रेप का रिलीज है दोस्तों इसमें, सूथ का है, अनॉय कैचिंग का है, इसमें रिवोल्टिंग अलार्मिंग का है यूजुअल। तो तेरह नंबर में हमारे पास है मोस्ट सिमिलर जो है इसके अंदर उसको बिटर बिटर का सोर है, सोर यानी तुरश और खट्टा, ये सेम है तकरीबन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 है, ये इसमें दोस्तों रैंडमली दिए गए हैं इसके अंदर क्वेश्चन, तो ये 14 ये हमारे पास आ गया। फ्रेंड का है कंपेनियन, फ्रेंड यानी दोस्त कंपेनियन का साथी। पंद्रह नंबर पे दोस्तों ट्रबल, ट्रबल का मकसद ये है कि मुसाइब मुश्किलात, तो प्रॉब्लम इसमें सेम है। क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना किसी पर, तो इसमें डिसअप्रूव है। तो नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों ये एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस के अंदर हमने जो है राइट क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से सिलेक्ट करके लगाने हैं। ये आपको PDF की फाइल जो है वो लिंक में आप मिल जाएगी, मजीद आप इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 20, मोर देन 6 बिलियन पीपल इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी 6 अरब से ज़्यादा आबादी है दुनिया की, इसका ये कहने का मतलब है। 21 है इफ़ ए इज़ द फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बी टू ए। वो कह रहे हैं कि ए एक कोई है, ही या शी है, शख्स है, कोई भी है, आदमी है, औरत है, फादर ऑफ बी, बी का फादर है, लेकिन बी जो है उसका बेटा नहीं है, तो इसमें से क्या होगा, वो फादर है वो बेटी होगी ना, बेटा नहीं है तो बेटी होगी, बाकी आंट मदर ने फिर ये नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 22 पे है इट टेक्स 3 मिनट्स टू बॉयल अ सिंगल एग ऑन एन ऑयल स्टोव, हाउ मेनी मिनट्स विल टू टेक द बॉयल 7 eggs। तो दोस्तों एग्स जितने भी हों 3 मिनट के अंदर जो है अगर वो सेम बर्तन में है तो सेम ही टाइम पे वो बॉयल करेंगे, तो एक है तो एक
3 मिनट के अंदर होगा, अगर 10 है तो 10, 7 है तो 7, तो ये कॉमन सेंस है। 23 पर है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो इसमें दोस्तों ये बुक, पेपर, पेंसिल, इंक, ये सेम जो है स्टेशनरीज हैं, और बूट, बोट जो है कश्ती, ये मुख्तलिफ है इसके अंदर। 24 फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड। संडे इज टू मंडे एज टूडे इज। दोस्तों संडे इज टू मंडे है तो टूडे का यस्टरडे आएगा। If boy is coded as 539 and girl is coded as 8627, then how would you encode glory? तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर है डी। 26 पे हमारे पास है, वी प्रीफर टू वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज। हम जो हैं ऊनी कपड़े क्यों बांधते हैं, तो इसका है दोस्तों क्योंकि वूलन क्लॉथ्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वुडन क्लॉथ्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी जो है वूलन क्लॉथ्स जो हैं हीट को सही तरह पास नहीं होने देते, हीट को अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, तो इसीलिए हम उसे पहनते हैं। 27 है, आई एम 6th इन द क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर एंड, हाउ मैनी आर इन द क्यूरीज। तो इसमें है 11। 28 के अंदर है, इफ 34 प्लस 35 इज इक्वल टू 15, और 55 जमा 86 24 के बराबर, 78 जमा 19 25 के बराबर, दैन 24 जमा 24 किसके बराबर होगा। दोस्तों ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन, तो इसका आंसर है सी। इसी तरह सेम नेक्स्ट है, इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, जावेद विल बी 6 टाइम एज ओल्ड इन 50 इयर्स एज इज हाउ, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ जावेद। वो कह रहे हैं कि 60 टाइम ओल्ड है इन 50 इयर्स, अगर वो 50 साल में अपनी उम्र से 6 गुना बड़ा है, 50 साल उसकी उम्र है लेकिन वो अपनी उम्र से 6 गुना बड़ा है, तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट। तो दोस्तों इसकी जो है एज 10 साल है, 10 साल उसकी एज है नाउ। 31 की दोस्तों ये कंप्लीट सीरीज आपने करनी है, कंप्लीट इन द सीरीज, ये भी कॉमन सेंस का है। 9, 18 तो ये 9 का पढ़ा जा रहा है दोस्तों, 9 2 18 9 27 9 34 36 और 9 50 45 45। 33 पे दोस्तों है जी, एक्सेंट्रेंस इज मिसिंग नंबर। ये भी दोस्तों सेम वही है, 7 का टेबल जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34, इफ एम एल सी 1 के बराबर हो तो देन बी एम ई, ये किसके बराबर होगा। दोस्तों ये डी ओ जी के बराबर होगा। सपोज देयर आर 100 सेकंड इन अ मिनट, मिसाल के तौर पर 100 सेकंड है एक मिनट के अंदर, देन देयर विल बी हाउ मैनी मिनट्स इन 1 आवर, तो एक घंटे में कितने मिनट होंगे।